स्वागत है दोस्तों आप सभी का जेंट्रॉन टेक पर। सो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कुछ पांच बेहतरीन से फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन्स, ऐसे स्मार्टफोन जो आज की दुनिया में आपको दिखने नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सारे स्मार्टफोन्स बनेंगे फ्यूचर के लिए। तो ऐसे खास फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन मैं लाया हूँ आपके लिए। सो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, और उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल जेंट्रॉन टेक को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए करे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस बेहतरीन वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारे सबसे पहले गैजेट को, जो है लेनोवो का C+। इस स्मार्टफोन की खासियत की बात करें तो ये एक टोटल फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसे आप आसानी से अपने हाथों पर, अपने रिस्ट पर टाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो फोल्डेबल स्मार्टफोन का इन्वेंशन किया है यहाँ पर लेनोवो ने, और उसका प्रोटोटाइप भी रेडी है। लेनोवो के ऐसे फोल्डेबल स्मार्टफोन बहुत जल्द आपको मार्केट में दिखना शुरू हो जाएंगे, जो बहुत ही बेहतरीन सी चीज है। बात करें दोस्तों इस फोल्डेबल स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की, तो ये फोन आता है एंड्रॉइड ओएस के साथ, 4.26 इंच का आईपीएस डिस्प्ले, ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 3 to 4 GB का रैम, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज। देखा जाए दोस्तों इसके प्राइस के मामले में तो यहाँ पर ये फोन लगभग 40,000 से 70,000 के आसपास हो सकती है। जब ये फोन दोस्तों मार्केट में लॉन्च होगा तो इसका इंटीमेशन मैं जरूर दूंगा इसी चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले गैजेट की तरफ। सो दोस्तों हमारा अगला स्मार्टफोन भी बहुत ही खास है, और यहाँ पर ये स्मार्टफोन डेवलप किया है गूगल ने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि गूगल ने ऐसा कौन सा फोन बनाया है जो पूरा फ्यूचरिस्टिक है। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, इस फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन का नाम है गूगल एरा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मोबाइल फोन में कोई एक कंपोनेंट खराब हो और पूरा मोबाइल फोन आपको खोलना पड़े उस एक छोटी सी चीज को बदलने के लिए? या कभी हम हमारे फोन कैमरा से खुश नहीं होते हैं, या फिर फोन के प्रोसेसर से, और इन्हीं चीजों की वजह से हम हमारे पूरे स्मार्टफोन को बदल देते हैं एक नए स्मार्टफोन के साथ, वाकई में टोटल वेस्ट। इन्हीं चीजों से उभरने के लिए गूगल लाया है एक लेटेस्ट फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन पर आप अपने मनपसंद कंपोनेंट को स्लाइड आउट कर सकते हैं और ओल्ड कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन का नाम है प्रोजेक्ट एरा। ये एक ऐसा स्मार्टफोन डिवाइस है जिसके छोटे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं, जिसे हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा, स्पीकर या फिर आप डिस्प्ले को भी रिप्लेस कर पाएंगे। इसके अंदर दिए गए हैं इलेक्ट्रो परमानेंट मैग्नेट, जिसकी वजह से आप इसमें हर एक कंपोनेंट को आसानी से अटैच और डिटैच कर पाएंगे। वैसे गूगल का ये प्रोजेक्ट एरा अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, शायद होपफुली फ्यूचर में आपको ऐसे फोन्स जरूर दिखने मिले जिस पर आप अनगिनत कंपोनेंट्स को अटैच और डिटैच कर पाएंगे अपने मर्जी के मुताबिक। सो है कि नहीं एक बेहतरीन सा स्मार्टफोन, जिसकी खूबियां आप कभी भी बदल सकते हैं, चाहे कैमरा हो, चाहे स्पीकर हो, या फिर डिस्प्ले, या फिर बैटरी बैकअप। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे तीसरे फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन की तरफ, जो है ZTE का Exon M। ये एक ड्यूल स्क्रीन स्मार्टफोन है। वैसे दोस्तों ये फोन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फोन एक्चुअली में मार्केट में अवेलेबल है, इसे आप चाहे तो खरीद सकते हैं। इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। आइए इसकी कुछ खासियत देखते हैं। इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फोन आता है एंड्रॉइड 7.1.2 नोगट के साथ, जिसके अंदर दिया गया है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 821 का चिपसेट। इसके ऊपर आप 400 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, 20 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया है, 64 GB की स्टोरेज इसके अंदर आपको इनबिल्ट मिल जाएगी। ये फोन लॉन्च हुआ है नवंबर 2017 में। तो देखा जाए तो ये फोन लगभग लेटेस्ट फोन ही है। खरीद सकते दोस्तों, इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला स्मार्टफोन है लेनोवो का स्मार्ट कास्ट। ये एक ऐसा फोन है जिसकी मदद से आप किसी भी सरफेस को वर्चुअल टच स्क्रीन में बदल सकते हैं। देखा जाए तो इसके अंदर दिया है लेजर प्रोजेक्टर, जिसकी मदद से आप अपने डिस्प्ले को प्रोजेक्ट कर पाएंगे किसी भी सरफेस के ऊपर, और ये दुनिया का सबसे छोटा प्रोजेक्टर है जो एक स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है।
इस स्मार्टफोन के प्रोजेक्टर पर आप वर्चुअली इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मूवीज गेम्स भी खेल पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सा स्मार्टफोन है और देखा जाए तो दोस्तों ये भी स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है। इसका भी परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। खरीदना चाहे तो जरूर खरीदे इस लेनोवो के स्मार्ट कास्ट प्रोजेक्टर फोन को। वर्चुअल कीबोर्ड प्रोजेक्शन के थ्रू आप टाइपिंग का मजा ले सकते हैं या फिर आप किसी भी इंटरैक्टिव एप्लीकेशन के साथ मजा ले पाएंगे इस फोन के ऊपर। वर्चुअल प्रोजेक्शन के थ्रू आप गेम भी खेल सकते हैं। सो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सा स्मार्टफोन, एक बहुत ही उमदा नायाब चीज जो लेनोवो ने डिजाइन की है आप सब लोगों के लिए। तो यह है दुनिया का सबसे पहला लेजर प्रोजेक्टर स्मार्टफोन। तो दोस्तों हमारा अगला स्मार्टफोन है दुनिया का सबसे पहला होलोग्राफिक स्मार्टफोन जो डिजाइन किया है ईस्टार कंपनी ने। इस फोन पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में देख सकते हैं जैसे कि वो ऑब्जेक्ट हूबहू आपकी आंखों के सामने ही हो। इस ईस्टार स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी चिपसेट डाला गया है जिसकी मदद से आप अपनी आंखें जहां भी घुमाएंगे वहां पर आपका ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपको मिलेगा एक टोटल मजा एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो है आपकी आंखों के सामने। तो दोस्तों यह है दुनिया का सबसे पहला होलोग्राफिक स्मार्टफोन जो है आई टेक्नोलॉजी के साथ। स्मार्टफोन की एक और खासियत की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है 4 होलोग्राफिक कैमरा, एक बहुत ही बेहतरीन सी उमदा चीज। इसके 2 होलोग्राफिक कैमरे का काम ये होता है कि ये कैप्चर करता है एक होलोग्राफिक इमेज और ना कि एक इमेज, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन होलोग्राफिक डेटा जिसे आप आसानी से 3D में एक्सेस कर सकते हैं। बेहतरीन मजा ले 3D मूवीज का देखने का इस स्मार्टफोन के ऊपर या फिर गेमिंग के एक्सपीरियंस को कुछ हद तक बदल कर देखे इस स्मार्टफोन के साथ या वर्चुअली बात करें किसी भी इंसान के साथ या स्मार्टफोन पर लाइव प्रोडक्ट देखे शॉपिंग करते वक्त। लाइव ट्रैफिक देख पाएंगे आप अपने इस स्मार्टफोन के ऊपर या फिर एजुकेशन को बनाए और बेहतरीन इस स्मार्टफोन के साथ। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ चुनिंदा फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर एक लाइक बटन दबाएं अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और कुछ और बेहतरीन से वीडियोस है उसे भी जरूर देखिए।